हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज 28 मार्च और 28 मार्च 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आप लोग इस वीडियो में जानने वाले होंगे। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे स्टार आईक्यू एजुकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आज प्यारे बच्चों रंगों का त्यौहार है तो आपको स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते चहचाते जरूर रहें, ऐसी हमारी कामना है। और के साथ ही आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं आज शाम को सही 4 बजे। कहाँ पे? अनएकेडमी पे। अनएकेडमी पे लाइव क्लासेस आपको मैं देने वाला हूँ आज शाम को 4 बजे। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप मेरा अनलॉक कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टार आईक्यू। ये स्पेशल क्लास होगी फॉर SSC रेलवे एस्पिरेंट के लिए, तो ज़रूर इसे आप लोग अटेंड कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस क्लास का लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आज का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या होगा कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में 2021 में शामिल कर लिया है। तो WWE ने जो है अभी हाल ही में दिलीप सिंह राणा कहिए या यूं कहिएगा द ग्रेट खली कहिएगा, इन्हीं को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया है। भला इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे इन्हें। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन के भी जो है हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और WWE जो है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर US के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। और एक बात और याद रखना कि इसके जो बेसिकली CEO है प्रेजेंट में, उनका नाम विनिस MC मोहन है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में किसने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में चिंकी यादव ने, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है चिंकी यादव। 24 मार्च 2021 को जो है अनुभवी राही सरनबोथ के साथ मनु भाकर को पीछे छोड़ते हुए ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया, और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक इन्होंने जीते। चिंकी ने 2019 में दोहा में 14th जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें दूसरे पोजीशन पर रही थी ये, और पहले 20 निशानों में से 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। उसके बाद मनु को 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थी, ये याद रखना। यहाँ पे ISSF की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक में है, इसके प्रेसिडेंट का नाम वालमदीर लियाजन है, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ये भी याद करना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आशा भोसले। आशा भोसले को जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है इनकी अध्यक्षता वाली कमेटी में इसी साल भोसले को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सर कब से दिया जा रहा है, तो ये अवार्ड 1996 से दिया जा रहा है, ठीक है। और क्यों दिया जाता है जी, क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है या उनकी जो उत्कृष्ट कार्य होते हैं या उनकी जो है लगातार लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, उसी वजह से अवार्ड जो है सेलिब्रेट के रूप में या यूँ कहेगा अवार्ड सेलिब्रेशन के रूप में अवार्ड बांटा जाता है। यहाँ जिक्र महाराष्ट्र का था, तो महाराष्ट्र की राजधानी दो है, एक मुंबई है एक नागपुर है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने जो वैज्ञानिक सलाहकार है किनका नाम है के विजय राघवन, इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है के विजय राघवन, ये जो है आपके जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 से जो है वो PS नियुक्त किए गए थे, और इनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसमें भारत की रैंक जो है क्या है, या भारत कौन से पोजीशन पे रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भारत की 40वीं रैंक आई है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें भारत की 40वीं रैंक है, 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर जो है वो भारत आया है। इस सूचकांक में US चैम्बर ऑफ
कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा हर साल इसे जारी किया जाता है और ये पेटेंट के आधार पे 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपी संपत्ति है या व्यवसायीकरण है या कॉपीराइट नीति है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन सभी चीज़ों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो ये याद करना आप लोग। और ये 9th नंबर की रैंकिंग थी जिसमें हम लोग 14 नंबर पे आए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस वरिष्ठ सलाहकार को के बिड़ला फाउंडेशन न्यू दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सरद पगारे को, जिनका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले हैं सरद पगारे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यह सम्मान 2010 में आया था। उनका एक उपन्यास जिनका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए दिया गया है। यह सम्मान पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति को दिया जाता है। और के बिड़ला फाउंडेशन न्यू दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान इस बार सरद पगारे को दिया जा रहा है। किस देश में रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया गया है? विच कंट्री हैज को स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन लेड बाय द यूरोपियन यूनियन हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन म्यांमार इंक्लूडिंग द रोहिंग्यास? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर होगा अमेरिका, यानी कि यूएस। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में जो चल रहा था, ठीक है, उसमें मानवाधिकार की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। और 46वें सेशन के अंदर 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी, याद रखना आप लोग। और यहाँ पे अमेरिका की भी बात हुई है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर है। बिजली तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है? तो ग्राम उजाला योजना जो है ये लॉन्च की है वाराणसी के अंदर, जिसका पुराना नाम बनारस भी आप कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना में क्या होगा? ग्राम उजाला योजना में 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब जो है दिया जाएगा, मतलब केवल 10 रुपये में एलईडी बल्ब होगा। यही है योजना, 24 मार्च 2021 को शुरू की गई है ये, ठीक है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर जो है वो वित्त पोषित किया गया है। गाँवों का भी उत्थान होगा इससे, ठीक है, और भारत जलवायु परिवर्तन में भी बहुत ज़्यादा योगदान होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। गला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश हाल ही में गर्भपात के शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बना है न्यूजीलैंड, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में यहाँ के सांसदों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और जिस कानून के तहत गर्भपात से होने वाले कर्मचारियों का 3 दिन का जो है अवकाश दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन डीसी वेलिंगटन है, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम जेसिंडा आर्डन है। पॉपुलेशन 49.2 लाख है यहाँ की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? इसोबर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने हाल ही में किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ये बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बीमारी के लिए बेसिकली जो है ये अभियान फीमेल के लिए स्पेशली है। और ये क्या है? ये अभियान जो है सेंटर में बेसिकली एक टाइप का अलग ही यूनिक तरीके से ब्रा जो है इसकी एक अनूठा सेट होगा, इसमें स्ट्रैप्स दैट रिमाइंडर का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये एक बड़ा अजीब सा अभियान जो है शुरू किया है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर अवॉइड करने के लिए जो है फीमेल को थोड़ा जागरूक किया जाएगा, क्योंकि फीमेल में दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ।